The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? ठंड का मौसम है और नाक बंद लोगों की होती है, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आप बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं एक ओट्रिविन या ऑक्सीमेटाजोलिन का नेजल स्प्रे, और ऑक्सीमेटाजोलिन कई सारे नाम से आता है, और ये नेसल डिसकम्फर्ट को कोल्ड एलर्जी या हे फीवर के वजह से होने वाले से रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये साइनस कंडीशन हो या प्रेशर ज़्यादा हो तब भी यूज़ करता है, मगर इसको छोटे बच्चों में, 6 साल से छोटे बच्चों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल आपके पीडियाट्रिशियन ने आपको बोला। छोटे बच्चे और 6 से 12 साल के उम्र के बीच में आप इसे यूज कर सकते हैं केयरफुली अंडर एडल्ट सुपरविजन, बच्चों को नहीं देना ना डालने के लिए, ओके, 6 से 12 साल के ऊपर के बीच में। और ऑक्सीमेटाजोलिन एक मेडिसिन है जिसे हम नेसल डिकंजेस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इट वर्क्स, कैसे वर्क करता है? बेसिकली ये जो नाक की खून की नसें हैं उसको नैरो कर देता है, सुकोड़ा देता है नेसल पैसेजेस में, इसलिए कंजेशन यानी कि वहां पे जो सूजन सी होती है, वहां पे जो बंद सा हिस्सा है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, रास्ता खुल जाता है। नाउ व्हाट, कौन इसको कैसे यूज करना चाहिए और कौन किसको यूज करना चाहिए? ये एक सोल्यूशन लिक्विड के जैसे आता है स्प्रे करने के लिए नाक में, और यूजुअली इसको हर 10 से 12 घंटे में एक बार, यानी दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, मगर दिन भर में 2 बार से ज्यादा यूज नहीं करना। और इसके अलावा अपने डॉक्टर से बात करें कि कितने दिन यूज करना चाहिए। डू नॉट यूज मोर देन व्हाट यू आर एडवाइज्ड। अगर आप इसे ज्यादा यूज करेंगे खून की नसें सिकुड़ती जाएंगी, साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर आप इसे ज्यादा देर तक, ज्यादा लंबे समय तक यूज करेंगे तो आपका कंजेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा बार वापस आएगा, ये बात याद रखिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इसे बाकायदा 2-3 दिनों तक ही यूज करें, 3 दिन से ज्यादा यूज करना अवॉइड करें। अगर आपके सिम्टम्स जो हैं 3 दिन में रिकवर नहीं हो रहे तो अपने डॉक्टर से बात करें, डॉक्टर से बात करें। ऐसा बोला जाता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 दिन यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, मगर 3 दिन मान के चले, 3 दिन में नहीं हो रहा ठीक, अपने डॉक्टर से बात करो। ज़ाइलोमेटाज़ोलिन नेजल स्प्रे आपको सिर्फ नाक में यूज करना है, इसे गले में यूज नहीं करना, इसे स्वॉलो नहीं करना, इसे निगलना नहीं है। और इसके साथ टू प्रिवेंट अदर इन्फेक्शन, इस चीज को मतलब आप एक आदमी ने यूज किया है तो दूसरे को नहीं यूज करना, ठीक है। एक ने यूज किया, दूसरा भी नाक में डाल रहा है, एक से नाक से दूसरे में इन्फेक्शन जा सकता है। तो ऐसे में या तो आप उसे टिप को रिंस करें, डिस्पेंसर को हॉट वाटर, या स्वाइप करें उसे अल्कोहल स्वैप के साथ में ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, ठीक है, या दूसरा स्प्रे हर एक इंसान के लिए अलग स्प्रे यूज करें। और पैकेज को पढ़ें, पैकेज में बताए गए डायरेक्शंस को भी फॉलो करें, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स में इसके, बिकॉज देखिए खून की नसें सुकाड़ रहा है, ठीक है, और तो इसे बर्निंग हो सकती है, स्टिंजिंग हो सकती है, छींक आ सकती है, नौशिया, लिटरली नौशिया हो सकती है बहुत ज़्यादा यूज करें तो, चक्कर भी आ सकते हैं, सर में दर्द भी हो सकता है, कुछ केसेस में नेसल डिस्चार्ज, बिकॉज ये ब्लॉकेज को खोल देगा तो नाक में जो भरा हुआ है वो बाहर ज़्यादा आने लगेगा, नेसल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, ड्राइनेस आ सकती है, नाक के अंदर सूखापन आ सकता है, और कुछ लोगों में दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है या स्लो हो सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको डॉक्टर से जरूर बताते रहना कि ये भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हजारों प्रकार के अलग अलग ब्रांड इसके आपको मिल जाएंगे, नाम याद रखिएगा ऑक्सीमेटाजोलिन, ओके। सो बहुत कॉमनली यूज है, इसीलिए आपको ये इस टॉपिक पे वीडियो बना देना हमारे लिए जरूरी बन जाता है। और इसे रेगुलरली यूज तो कतई भी ना करें कि हाँ भाई मैं महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार यूज कर लेता हूँ, नहीं, ये उसके लिए नहीं है, ये कभी कभी यूज करने के लिए, जैसे सिर्फ ठंड के मौसम में 2-3 दिन के लिए, अगर आपको या तो कोल्ड यानी वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा एलर्जिक कंडीशन में दिक्कत आ रही है, या हे फीवर हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप ले सकते हैं। बाकी फ्लू को प्रिवेंट करने के लिए फ्लू वैक्सीन लगाएं, और अपना जो हाइजीन मेंटेन रखें, हैंड वॉशिंग, फेस मास्क, आपको पता ही है। सो प्लीज फॉलो दिस एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। ओमिक्रॉन के बारे में भी वीडियोस मौजूद हैं हमारे चैनल पर, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, दिस इज डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।